अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तवाज़ो विद अस्मा का शान में आप सबको खुशामदीद। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत पसंद किया, मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। आज हम बनाने वाले हैं हरी मिर्च कीमा। कीमा बहुत सारे डिफरेंट तरीके से लोग बनाते हैं, आलू कीमा बनाया जाता है, मेथी कीमा बनाया जाता है, बहुत सारी और भी कीमे की रेसिपीज़ होती है। हरी मिर्च कीमा आपको जैसे कि पता है रेसिपी से शोर है, इसके अंदर हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तो मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ। हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं चूल्हा ऑन कर लूं। ठीक है, अब मैं इसके साथ जो है वो घी, सबसे पहले मैं घी शामिल कर लेती हूँ। हाफ कप तकरीबन ये घी है, हम इसके अंदर घी शामिल कर लेते हैं। हमने घी शामिल कर दिया इसके अंदर। घी से ये ड्राई होगा। अच्छा, घी शामिल करने के साथ तकरीबन 30 सेकंड तक आपने इसको घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब इसमें मैं ये कीमा शामिल कर दूंगी। आप इसमें बीफ भी ले सकते हैं, मैंने चिकन कीमा बताया है। आप दोनों तरीके से सेम रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने इसका जो चूल्हे की आंच है वो थोड़ी सी तेज कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक। थोड़ी सी हम ये इसमें हाफ अभी डाल देंगे और हाफ हम इसको गार्निशिंग में डालेंगे। इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाल देनी है चॉप्ड प्याज, ये भी मैं इसके अंदर हाफ अभी डाल दूंगी। ठीक है, और हाफ मैं इसको एंड में डालूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत जल्दी पक जाता है ये और बहुत मज़े का बनता है ये। आप इसको इंजॉय कीजिएगा बना के। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। अच्छा, आप देखेंगे कि मैंने कीमे में अभी तक नमक ऐड नहीं किया। ठीक है, अभी हम इसमें नमक ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। ठीक है, तकरीबन बहुत थोड़ा सा हमने पानी लेना है क्योंकि प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। बहुत थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया ताकि जो हमारा कीमा है वो। अब मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करनी है और भुनाई करते हुए मैंने इसको कवर नहीं करना है। इसमें मैंने शामिल करना है अभी धनिया पाउडर। ठीक है, तकरीबन ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया था भर के, क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है धनिया पाउडर का। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल किया और 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी, ये दोनों चीज़ें भी मैं शामिल कर दूँगी। कि बहुत अच्छे से भुनाई करनी है मुझे शामिल करके। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ काली मिर्च साबुत और लौंग मैं डाल रही हूँ और 2 से 3 अदद इलायची, ये चीज़ें भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ठीक है,
ठीक है, और मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। ठीक है, इसका थोड़ा अच्छा कलर आएगा क्योंकि चिकन है, तो चिकन का कलर वैसे ही लाइट आता है। जब मैंने इसके अंदर स्पाइस शामिल कर दी है तो इसका कलर और अच्छे से आएगा। अच्छा, मैंने इसको अभी कवर नहीं करना और इसकी भुनाई मैंने बगैर कवर के करनी है। अच्छा, इसकी भुनाई हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करूंगी टोमेटो प्यूरी, जितना आपको इसका क्वांटिटी करनी है, बढ़ानी है, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर दही भी शामिल कर लूंगी। अगर आपके पास दही मौजूद है तो आप दही ले सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो सिर्फ टमाटर से लिए। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर दही शामिल कर देना है और मैंने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है। ठीक है, मैं इसकी जब तक भुनाई कर रही हूँ, तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो हाफ हमारा कीमा है वो गल जाए। ओके, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक। अब मैं शामिल नमक इसलिए करूँगी क्योंकि बहुत दफ़ा जो है वो चिकन का अगर कीमा लेते हैं तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा जो है वो चढ़ जाता है, तो आपने नमक जो है वो अब इस स्टेज पे जाके आपने नमक शामिल करना है। अच्छा, हसब ज़ायका नमक शामिल कीजिएगा। बहुत सारे लोग कम लेते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा लेते हैं। मैंने तकरीबन इसमें हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने इसको नमक शामिल कर दिया। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक बहुत मज़े का इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। ये मैंने कुटा हुआ साबुत, कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया लिया है और सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इसको मैंने अच्छे से भुना है, बहुत ज़्यादा ना भूनिएगा, इसे थोड़ा सा भूनना है आपने। और इसके बाद मैंने इसको, आप ये देखें, इसको मैंने क्रश कर लिया अच्छे से। अच्छा, ये इसका जो फ्लेवर सबसे लास्ट में इसलिए शामिल करना है कि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसकी खुशबू तो बहुत ही मज़े की आती है। ये आपने तकरीबन हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है कुटा भुना हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर, ये ऑलमोस्ट हमारा डन है, तो अब मैं इसके अंदर जो मेरे पास चॉप प्याज मैंने हाफ डाल दी थी, हाफ दोबारा से मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। ये लास्ट में मैंने इसलिए शामिल किया है कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, क्रंची सा फ्लेवर देगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया है, थोड़ा सा मैं इसको गार्निश के लिए रख देती हूँ। ठीक है, और अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्च। ठीक है, हरी मिर्च डाल के आपने बस 1 से 2 मिनट हम इसे दम दे देंगे। तकरीबन 1 मिनट भी इनफ होता है क्योंकि ये हमारा तकरीबन तैयार ही हो चुका है। तो इसमें मैंने 6 से 8 अदद हरी मिर्च डाल देनी है, किसी को बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो इस हरी मिर्च होती हैं ये बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं होती है, इसलिए मैंने आपको कहा था इसमें छोटी नहीं शामिल करेंगे। अगर आप छोटी का पेस्ट बना के, छोटी हरी मिर्च का पेस्ट बना के शामिल कर सकते हैं, तो भुनाई के वक्त आप वो भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा हरी मिर्च कीमा, बहुत सारे लोग इसको हरी मिर्चों वाला कीमा भी कहते हैं, ये हमारा तैयार है। अब मैं इसको थोड़ा सा, एक फ्लेम इसका बहुत दम जितना कर दूंगी, स्लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए मैं बस इसको रखूंगी। 2 से 3-4 सेकंड के लिए मैं इसको तेज़ करूंगी आंच को, क्योंकि जब मैं सर्व करूंगी तो ये थोड़ी देर तक गर्म रहना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी। आपने देखा कितना लेस पानी मैंने इसके अंदर डाला था, क्योंकि ये चिकन है। अगर आप बीफ का कीमा लेंगे तो आपको उसको गलाने के लिए थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होगा। इसमें मैंने जो है वो, आप फ्रेश लेंगे बीफ का, अगर फ्रेश लेंगे तो वो भी जल्दी बन जाएगा, लेकिन अगर आपका फ्रीज़ किया हुआ होगा तो उसमें थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग है।
बस इसको मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और मैं इसको करती हूँ अब डिश आउट। आप देखें ये कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है, ऑयल आया है और बहुत अच्छे से जो है वो ये रेडी हो चुका है हमारा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ आपके पास बरवक्त आ सके और आप न्यू रेसिपीज़ को ट्राई कर सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए तवाज़ो विद अस्मा का शान।